हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता रेसिपी जंक्शन। तो आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैंगो स्मूदी। आप सभी का फेवरेट तो होगा ही, बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है, सीजनल फ्रूट है, तो उसका मैं मैंगो स्मूदी बनाने वाली हूँ। तो लेट्स चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैंगो स्मूदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पल्प निकाल के रखा हुआ था डीप फ्रीजर में, ये हम फ्रोज वाला यूज़ करेंगे पल्प। तो चलिए एक एक इंग्रेडिएंट्स हम जार में ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बाउल के बराबर मैंगो पल्प लिया है, उसके साथ साथ जाएगा ये 1 कप दही, उसके बाद जाएगा ये मैंगो, बहुत ही स्वीट है तो मैं इसमें कम शक्कर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून चीनी ली हुई है, और यहाँ पे जाएगा ये 1 कप दूध। ये सब ठंडा ही आपको यूज़ करना है। और उसके बाद अगर आप दही, योगर्ट, वैनिला एसेंस वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपको वैनिला एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से। मैं यहाँ पे अलग से डाल रही हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल दही अपने घर में जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीबन या 1/2 टेबलस्पून के करीबन आपको वैनिला एसेंस ऐड करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हनी यूज़ करूँगी। ये गया हनी, तो चलिए ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इस जार में डाला है, तो लेट्स ब्लेंड इट। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये जो मैंगो स्मूदी है ये हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी होगी। चलिए अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये मैंगो स्मूदी है रेडी है। इसमें आप मैंगो पल्प भी ऐड कर सकते हैं, आइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने आइस ऑलरेडी ऐड किया था, हम सिर्फ गार्निश करेंगे इससे। मैंने यहाँ पे आलमंड चॉप करके रखे हुए थे, हम इसमें ये ऐड करके इसे इस तरह से रेडी रखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या कलर आया है, बहुत बढ़िया कलर आया है। और मैंगो किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है और देखते ही मन कर रहा है, और बच्चों का तो फेवरेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंगो स्मूदी रेडी है और ये सर्व करने के लिए भी रेडी है। इसे चिल्ड आप ज़रूर सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा इसे पीने में, और ज़रूर आप अपने घर में बनाइएगा और मेरे चैनल पर इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। और आप मैंगो के बदले कोई भी फ्रूट्स के साथ आप इसी तरह से रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं और मुझे मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय बाय।